बालेश्वर सहर आईटीआई पड़िया रे उद्घाटित हला एनके रोलेक्स सर्कस। सेप्टेम्बर 9 तारीख पर्यंत दैनिक हेबो 300। दीर्घ दिन परे बालेश्वर सहर को आसी सर्कस। स्थानीय आईटीआई पड़िया ठारे उद्घाटित होई एनके रोलेक्स सर्कस। सदर विधायक मानस कुमार दत्त, बालेश्वर पौराध्यक्ष सबिता साहू और ब्रिट अध्यक्ष आलोक कुमार साहू प्रमुख एथिरे अतिथि भावे जगदे सर्कस रो कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। आसंता सेप्टेम्बर 9 तारीख पर्यंत बालेश्वर ए सर्कस चलिबो बोली आयोजित सर्कस परिचालना कर्तृपक्ष सूचना देछंती। सर्कस रे विशेष भावे जिम्नास्टिक उपरे गुरुत्व दिया जाउथवा बेले एथिरे मणिपुर रो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जकर प्ले, ग्लोव बाइक राइडिंग, प्लॉटिक बॉल, रिंगेल, रसुल बेलमिस प्रभृति 30-40 प्रकार आकर्षण खेल प्रदर्शित होता। एथिरे आसाम और मणिपुर समेत देशर विभिन्न स्थानरु दक्ष आर्टिस्ट सामिल हो सेमानकर खेल प्रदर्शन करथिले। केवल मणिपुर 12 जन आर्टिस्ट चिताकर्षक जिम्नास्टिक खेल प्रदर्शन करने सहित 3 कोटी शो अनुष्ठित होउछि। सर्कसर टिकट मूल्य 100 टंकारु आरंभ हो 250 टंका पर्यंत रहिछि बोली एनके रोलेक्स सर्कसर मैनेजर रूपेश कुमार सिंह और करुण देव सोराय सूचना देछंती। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आदमी को मनोरंजन, अच्छा अच्छा खेल दिखाने के लिए, मनोरंजन का कराने के लिए, इसीलिए हम लोग चुन चुन के जितना है आर्टिस्ट लोग को मैनेज कर रहा है। जैसे मणिपुरी है, नेपाली है, छत्तीसगढ़ का है, बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है, ये सबको आर्टिस्ट जो है हम लोग छाँट छाँट के लाया है। जो अच्छा जिम्नास्टिक दिखाएगा, अच्छा बैलेंसिंग खेल दिखाएगा, फिर छाड़ी का नंबर रहेगा, रस्सी का नंबर रहेगा और ग्लोब में मोटरसाइकिल चलेगा। तो हम लोग चाह रहा है जब आदमी अट्रैक्शन में आए और जोकर भी है, 2-3 जोकर है, उसको अच्छा खेल है, वो आदमी को बच्चे को हंसाता है, बहुत अच्छा खेल दिखाता है, उसको खेल अच्छा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहा है जो अट्रैक्शन बढ़े और सर्कस में आदमी आए और सर्कस अच्छा चले, क्योंकि ये सर्कस चलेगा तो हम लोग चलेंगे। एनिमल का एक्ट को सुने है, वो तो गवर्नमेंट में बैन कर दिया है, वो अभी 10-20 साल हो गया। जैसे 2000 साल में बंद हुआ था पहले 5 जनवर, उसके बाद में हाथी घोड़ा था वो भी बंद हुआ, लास्ट में तोता कुत्ता था वो भी बैन कर दिया। मतलब कोई जानवर का खेल अभी नहीं होगा, सिर्फ जिम्नास्टिक के ऊपर चलेगा और बैलेंसिंग खेल के ऊपर चलेगा। देखिए सर्कस एक ओरिजिनल चीज़ है, ये इसमें जो है सामने में हकीकत में होगा, ये कोई फिल्म नहीं है जो आपको चला दिया और चल रहा है। ये जिम्नास्टिक है, अपना आंखों का सामने होगा, सबको आपको देखने को मिलेगा कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है। ये एक प्रैक्टिस का बात होता है, डेली प्रैक्टिस होता है, उसका हिसाब से खेल भी होता है। ये नहीं जो कोई मशीन चला दिया, कोई कैसेट चला दिया, वो चलते बने आदमी देखते रहे, लेकिन ये जो है सर्कस एक चीज़ है, ये परिवार के साथ देखने वाला चीज़ है, पूरा परिवार एक साथ में देख सकता है। कोई फिल्म है तो परिवार एक साथ में नहीं देख सकता है, लेकिन सर्कस है एक जगह में बैठ के गाँव का आदमी पूरा परिवार के साथ देख सकता है। और 9 सितंबर तक हम लोग चलाने का उम्मीद रखे, हाँ। और इसका रोजाना 300 है, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे। कितने तो टिकट जो है आपको गैलरी 100 रुपया है और पीछे वाला कुर्सी 150 रुपया है और सामने में 200 रुपया है और 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है। बहु संख्यार सर्कस देखा सहित खेलाड़ी मानक उत्साहित करने को आयोजक मैंने बालेश्वरवासी को निवेदन करिछंती।